हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए देखिए, हम लोग धीरे धीरे करके चैप्टर 6 तक पहुंच चुके हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था और चैप्टर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे और इससे पहले वाले सारे चैप्टर्स का बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हैं ना। पूरा मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जो आपकी समझ में भी आएगा और उसे करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप बड़े इजीली क्वेश्चन आंसर्स को भी फाइंड आउट कर पाओगे, अपने आप से भी लिख पाओगे इवन। ठीक है, तो चलो आज जो हमारा चैप्टर है वो है चेंजेस अराउंड अस। हम लोग अपने चारों तरफ क्या क्या देखते हैं भाई। किसी दिन ऐसा होता है कि बहुत तेज धूप निकलने लगती है, किसी दिन ऐसा होता है बहुत तेज ठंड पड़ने लगती है, कभी हमारी नाक बहने लगती है ना, कभी क्या होता है हमको कफ हो जाता है बहुत ज्यादा। यानी हमें नहीं मालूम कि हमको कब क्या होने वाला है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, जो हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, होते हैं ना। आप लोगों की बॉडी में भी होते होंगे, कभी फीवर आ जाता है, जैसे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो ठंड लगने लगती है, रनिंग नोज होने लगती है, होता है कि नहीं होता? सबके साथ होता है। तो इसी को हम कहते हैं चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन, यानी बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो हमारे चारों तरफ अपने आप होते हैं, हमें जरूरत नहीं है उनको चेंज करने की, या हमें कोई ऐसा हमारे पास कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से हम उसे अपने एटमॉस्फेयर को चेंज कर सके, वो अपने आप चेंज होता है। ठीक है, इन द फील्ड द क्रॉप्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। फील्ड में आपने देखा होगा भाई, रबी की क्रॉप अलग होती है, खरीफ की क्रॉप अलग होती है। रबी की क्रॉप को आप क्या अक्टूबर नवंबर में बोते हो और मार्च अप्रैल में काट लेते हो, और खरीफ की उसको क्रॉप को आप क्या करते हो जून जुलाई में बोते हो और अगस्त सितंबर में उनको हार्वेस्ट कर लेते हो, है ना। तो ये क्या है, ये सब चेंजेस ही तो हैं जो नेचर हमारे लिए अपने आप से बनाती है और हम नेचर के अकॉर्डिंग उन चेंजेस को अपने अंदर लाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम चलना स्टार्ट कर देते हैं। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज। देखा होगा आपने अब से कुछ टाइम पहले कि आपके घर में अगर ट्री हो या आपके आसपास ट्रीज होंगे तो उन्होंने लीव पॉलन करना स्टार्ट कर दिया होगा, है ना। और बहुत सारी लीव रोज आपके घर के पास आपको मिलती होंगी जिन्हें आपको साफ करना होता होगा, तो ये भी तो चेंजेस हैं। पेड़ों से अपने आप लीव्स का फॉल होना, ये भी चेंजेस है कि नहीं। चेंज कलर एंड ड्राई आउट, क्या होता है, पत्तियां पहले अपना कलर चेंज करती हैं ट्री के ऊपर, यानी जब वो स्टेम से लगी हुई होती है, ब्रांचेस से टच होती है, तब वो पहले अपना कलर चेंज करती है, यानी ग्रीन से येलो हो जाती है, आफ्टर दैट दे फेल डाउन, और उसके बाद वो गिर जाती है। ठीक है, द फ्लावर्स ब्लूम एंड देयर विटर अवे। क्या होते हैं, फ्लावर्स खिलते हैं, फूल खिलते हैं और कुछ दिन के बाद वो गिरना शुरू हो जाते हैं, मुरझाना शुरू हो जाते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि फ्लावर हर मौसम में नहीं खिलते ना फ्लावर। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या आपकी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं? अभी मैंने बताया हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कभी हमें कोल्ड हो जाता है, कभी हमें कफ हो जाता है, कभी हमें हेडेक होने लगता है, कभी स्टमक पेन होने लगता है, कभी हमें एलर्जी हो जाती है, तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। योर नेल्स ग्रो, देखो नेल्स बढ़ते हैं आपके, बिल्कुल बढ़ते हैं। योर हेयर्स ग्रो, आपके बाल भी बढ़ते हैं। You grow taller and your weight increases as you grow. आप लंबे भी होते हो, आप बड़े होते हो, और जब आप लंबे और बड़े होते हो तो आपका वेट क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप एज में बढ़ रहे हो या आप हाइट में बढ़ रहे हो और आपका वेट लेस होता जाएगा, ऐसा बहुत मतलब ऐसा तब होता है जब कोई डिजीज किसी पर्सन को हो जाए। ठीक है, Did you realize earlier that so many changes are taking place around all the time? यानी हमने हमेशा ये realize किया है कि हर time हमारे चारों तरफ कोई ना कोई changes होते रहते हैं, होते ही रहते हैं, है ना? चलिए देखो, can all changes always be reversed? अब यहाँ पर ये पूछा गया है, यानी इतनी सारी बातें बताने का आपको motive था कि जो चेंजेस हैं, जो आपके चारों तरफ
चेंजेस हो रहे हैं क्या वो रिवर्स हैं या नहीं है। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स होते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स नहीं होते। फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये बच्ची क्या कर रही है, बलून को ब्लो कर रही है ना, शी इज ब्लोइंग द बलून। तब क्या होगा, इसने ब्लो किया बलून को तो बलून फूल गया और फूल कर एक बड़ा सा बलून बन गया है ना। अब जब ये इसमें से हवा को निकाल देगी तो क्या ये अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन बने कि हम अपने चारों तरफ चेंजेस देखें और उस चेंजेस को जब रिवर्स किया जा सके, तब हम उनको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। क्या बोलते हैं उनको, रिवर्सिबल चेंजेस। दूसरे एग्जांपल में देखो क्या किया, पेपर से क्या बनाया, एरोप्लेन बना दिया। अब मुझे बताओ क्या इस एरोप्लेन से वापस पेपर बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो ये कैसा चेंज हो गया, ये भी रिवर्सिबल चेंज हो गया है ना। यहाँ क्या कर रहा है देखो, फ्लोर लिया उसका डो बनाया, फ्लोर लिया उसका डो बनाया। अब मुझे ये बता दो क्या डो से वापस फ्लोर मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। ये क्या हो जाएगा, ये इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। भाई हम डो को वापस से फ्लोर में चेंज नहीं कर सकते। फिर देखो भाई, डो से हमने रोटी बनाई और रोटी को हमने क्या किया, फेंक लिया। क्या इस रोटी से आपको डो वापस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। तो ये भी कैसा चेंजेस है, इरिवर्सिबल चेंजेस है। तो समझ में आया रिवर्स चेंज क्या होते हैं और इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस का मतलब होता है ऐसे चेंजेस जिसको अपनी पहले वाली कंडीशन में वापस लाया जा सके, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। एंड द चेंजेस व्हिच कैन नॉट बी चेंज देयर ओन पोजीशन, यानी जो अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस नहीं आ सकते ना, अपनी पहले वाली कंडीशन में वापस नहीं आ सकते, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। अच्छा मुझे बताओ, कैंडल का बर्न होना, कैंडल को आप बर्न करोगे तो क्या आपको वापस से कैंडल मिलेगी या वापस से आपको वैक्स मिलेगा? देखो अगर कैंडल को आप बर्न करते हो और उसको पिघलाते हो तो आपको वापस से क्या मिलेगा, आपको वापस से वैक्स मिलेगा है ना। आपने देखा होगा जब आपकी कैंडल बर्न होती है उसके चारों तरफ क्या होता है, वैक्स इकट्ठा होता जाता है। या आप ऐसे समझो कि वैक्स को आप मेल्ट करो, क्या करो, वैक्स को मेल्ट किया तो क्या इससे रिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है ना। कैसा चेंज है ये रिवर्स चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है। क्यों, वैक्स को मेल्ट किया वो पिघल गया, लेकिन जब उसको ठंडा किया तो वो क्या बन गया, वो वापस से सॉलिड वैक्स बन गया। ठीक है, उसी तरीके से आपने मम्मी की किचन में घी देखा होगा, घी को आपने मेल्ट किया, घी को आपने मेल्ट किया तो क्या हुआ, वो लिक्विड बन गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब आपने उसको ठंडा किया, जब आपने उसको फ्रीज किया, वो क्या हुआ, वापस से घी बन गया है ना, वो वापस से घी बन गया। उसी तरीके से आइस, भाई वाटर था, वाटर को क्या किया, कोल्ड है ना, तो क्या बन गई, आइस, क्या बन गई, आइस। अब आइस को क्या किया, वार्म किया, तो वापस से क्या बन गया, वाटर। तो ये भी कैसा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है। अब तो समझ में आया कि व्हाट इज रिवर्सिबल चेंजेस एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, समझ में आया। इरिवर्सिबल चेंजेस के लिए हम बोल सकते हैं पेपर बर्न, पेपर बर्न। अगर पेपर को आप बर्न कर दो तो क्या वापस से पेपर मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा ना। तो ये कैसा चेंज है, ये इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। यू यूज द पेंसिल एंड इरेजर, बिल्कुल यूज करते हैं। With repeated use, their shape and size changes. लेकिन जब हम इनको दोबारा से यूज करते हैं, यानी शार्प करते जाओ, इरेजर को हम घिसते जाओ तो क्या होगा, शेप में और साइज में उसके चेंज हो जाएगा। कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या हम इसको दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं?
बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। क्या आप उस शॉपिंग से, क्या उस शॉपिंग से आप वापस से पेंसिल बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो ये कैसा चेंज है? ये इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन अ ऑटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, आपने देखा होगा घड़े वाले को घड़ा बनाते हुए देखा होगा ना। वो घड़ा जब बनाता है तो कैसी मिट्टी लेता है? वो कैसी मिट्टी लेता है? वो कच्ची मिट्टी लेता है ना, कच्ची और गीली मिट्टी लेता है और उसे अपने व्हील पर रखता है। जब वो उसे व्हील पर रखता है और व्हील को जब घुमाना स्टार्ट करता है और पॉट को जब शेप देना, यानी उस मिट्टी को, सॉइल को जब शेप देना स्टार्ट करता है, तो वो उससे क्या बनाता है? वो उससे डिफरेंट डिफरेंट काइंड की चीजें बना देता है। आपका पॉट बना देता है, छोटे छोटे प्लेट जैसे बना देता है, आप मतलब जो भी आपको मिट्टी का सामान चाहिए वो आपको सब पॉटर बना के देगा उसी मिट्टी से, ठीक है। He shapes a lump of clay into a pot, यानी lump of clay मतलब मिट्टी को गीला किया तो वो lump of clay बन गया, गीली मिट्टी बन गई। अब उसको वो अलग अलग शेप में चेंज कर देता है। Can this change be reversed? क्या ये changes reversed है? बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ एक बार मुझे। जब भी आप ये वीडियो देखो ना, तब एक बार ये कमेंट करके बताना, क्या पॉटर ने जो पॉट बनाया वो रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो इरिवर्सिबल चेंज है, क्यों है भाई? आप उससे वापस क्ले नहीं ले सकते, उस पॉट को तोड़कर जलाकर पिघलाकर चाहे जो करो, आप उसको पानी में डाल के रखो, लेकिन आप उससे वापस क्ले नहीं ले सकते, नहीं बन सकती वापस क्ले में, वो चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए वो कैसा चेंज है वो इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। ऐसा चेंज है, वो इरिवर्सिबल चेंज है। क्या पॉट? ही देन बेक्ड द पॉट इन एन ओवन, तब क्या किया उसने? बनाने के बाद उसको ओवन में बेक कर दिया। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स? अच्छा, दो बातें बोल रहा है। एक तो ये बोल रहा है कि उसने केवल पॉट बनाया है, अभी केवल पॉट बनाया है, अभी उसने उसको बेक नहीं किया, तब क्या वो रिवर्सिबल होगा? तो आप बोलोगे यस भाई, अगर उसने पॉट बनाया है, उसको सुखा दिया ना, फिर वापस से उस पे वो पानी डाल देगा, जब तक वो उसको बेक नहीं करता तब तक तो वो रिवर्सिबल चेंज है ना, तब तक तो वो रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन जैसे ही उसने पॉट में डाल, उसमें ओवन में उसको डाल दिया, तो आफ्टर बेकिंग इट इज इररिवर्सिबल चेंज। वो कैसा हो जाएगा? वो इररिवर्सिबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी बेकिंग पॉट कैसा हो जाएगा? इररिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट ली है, ये आप लोगों की बुक की ही लिस्ट है। अगर आप लोग एनसीईआरटी यूज करते हो तो उसी बुक की लिस्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको ये बताना है कि कौन सा रिवर्सिबल है और कौन सा इररिवर्सिबल है। अच्छा, रॉ एग टू बॉइल्ड एग, रॉ एग को बॉइल्ड एग में चेंज करना, कैन बी रिवर्स? क्या आपको कच्चा उससे मिल जाएगा एग? नहीं मिलेगा ना, तो आप क्या लिखोगे? नो। इडली, भाई बैटर से इडली बनाया, अब इडली से बैटर मिलेगा? नहीं मिलेगा। या क्या लिखोगे? अच्छा, रिवर्स और इरिवर्स लिख दो, चलो इरिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, गीले कपड़ों से सूखे कपड़े, रिवर्सिबल क्यों? फिर से गीले कर दो उनको, वो फिर से गीले हो जाएंगे, आप फिर से ड्राई कर दो उनको, फिर से ड्राई हो जाएंगे। ना तो शेप चेंज होगी, ना कलर चेंज होगा, एज इट इज मिल जाएंगे आपको क्लोथ्स। वूलन यार्न टू निटेड स्वेटर, वूलन की यार्न से आपको स्वेटर मिल जाए तो क्या वापस से वूलन यार्न मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, धिर दो स्वेटर को आप, है ना। कैसा चेंज है? ये रिवर्सिबल चेंज है। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, ग्रेन से फ्लोर बना दिया, अब क्या फ्लोर से आपको ग्रेन मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्या लिखोगे? Irreversible change. Old milk to hot milk, ये change हो सकता है। भाई आप दूध को चाहे ठंडा कर लो, चाहे ठंडे दूध को गर्म कर लो, आप किसी में भी चेंज कर सकते हो। दूध बहुत गर्म हो गया तो आप उसको ठंडा कर सकते हो, अगर आपका दूध बहुत ठंडा है तो आप उसको गर्म कर सकते हो। मिल्क में तो कोई चेंज नहीं आएगा, और उसको हम कोल्ड और हॉट में चेंज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? ये रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल स्ट्रिंग, जो स्ट्रेट स्ट्रिंग है उसको कॉइल स्ट्रिंग में चेंज करना है,
और वापस से क्या आप उसको सीधा नहीं कर सकते, कर सकते हो ना सीधा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा, बर्ड टू फ्लावर, बर्ड से फ्लावर बन गई। अब क्या वापस से बर्ड मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या बोलोगे, इरिवर्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मिल्क टू पनीर, मिल्क से पनीर बना दिया, अब पनीर से आपको मिल्क वापस नहीं मिलेगा, यानी ऐसे चेंजेस जो वापस अपनी पहले वाली कंडीशन में नहीं आ सकते, वो कैसे चेंजेस हो जाते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। और ऐसे कोई भी कंडीशन जो अपनी पहले वाली कंडीशन में वापस आ जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने आइस बना ली वाटर से और फिर से उसको मेल्ट कर दिया, तो क्या मिल जाएगा आपको, फिर से उसी टेम्परेचर पर वाटर मिल जाएगा। काउडंग टू बायोगैस, काउडंग से बायोगैस, भाई गैस बन गई, अब तो काउडंग वापस मिलेगा ही नहीं, तो क्या होगा, ये भी इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, स्ट्रेच किया रबर बैंड को और फिर वापस से छोड़ दो, अपनी नॉर्मल साइज में आ जाएगा ना, है ना, आ जाएगा ना, तो लिख दो यस आ जाएगा। सॉलिड आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, सॉलिड आइसक्रीम को मोल्टन में चेंज कर दो और वापस से उसको फिर से सॉलिड में चेंज कर दो, तो ये भी कैसा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, रिवर्सिबल, क्लियर, समझ में आया, यानी ध्यान रखना कि ऐसे चेंजेस जिनको हम पहले वाली कंडीशन में वापस ला सकते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, और ऐसे कोई भी कंडीशन जिसको हम पहले वाली कंडीशन में वापस नहीं ला सकते, या ऐसा कोई भी चेंज जिसको हम पहले वाली कंडीशन में वापस नहीं ला सकते, वो क्या कहलाते हैं, वो आपके इररिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को, और आई है सभी को समझ में, जल्दी से लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे, और जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर कर इस बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की मैं मैथ्स कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, जिसमें कि जो क्लास 5 है ये आपकी कंसेप्ट बेस्ड है, बिल्कुल कंसेप्ट बेसिक से, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं या किसी टॉपिक में आपको अगर ऐसा लगता है कि वो आपका क्लियर नहीं है, तो आप क्लास 5 की मैथ्स प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे, वहां पर टॉपिक वाइज दे रखा है और एक एक टॉपिक को मैंने 2-3 डेज में कंप्लीट किया है, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, और उसके बाद अब आप साइंस स्टार्ट कर चुके हैं, तो साइंस की भी क्लास 6 से ही स्टार्ट किया है, चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है, ये भी आपको पिछले सारे चैप्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास की टाइमिंग सबको मालूम है कि 1:30 PM पर एक रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलती है, अभी फिलहाल एक रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, आगे देखेंगे जैसे रिस्पॉन्स आएंगे फिर उस हिसाब से हम क्लासेस को मैनेज करेंगे। क्लियर, देखो भाई अब आ जाते हैं टॉपिक पर, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड, यानी एक ऐसा आयरन का ब्लेड लिया, एक ऐसा आयरन का ब्लेड लिया जिसको हमने टूल की तरह यूज करना है, और उसमें हमने क्या किया, बीच में होल कर एक वुडन का हैंडल फिक्स कर दिया। ठीक है, नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, मतलब जो रिंग थी वो नॉर्मल साइज में थी, छोटी थी, देन द वुडन हैंडल, किससे, जो वुडन का हैंडल था उससे हल्की सी छोटी थी, टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज। अब क्या किया कि हमको इसमें इसे फिक्स करना था, तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया, किसको, वुडन को, नहीं वुडन को नहीं, इस आयरन के ब्लेड के सर्कल को क्या किया, थोड़ा सा हीट कर लिया। अब हीट करने पर क्या हुआ, ये साइज में एक्सपेंड हो गया, यानी ये साइज में थोड़ा सा फैल गया। नाउ द हैंडल इजीली फिट इनटू द रिंग, और अब क्या हुआ, अब जो हैंडल था वो उस रिंग में बड़े इजीली फिट हो गया। cools down, it contract and fit tightly on the handle. और फिर जैसे ही वो हैंडल जो आयरन ब्लेड था वो जैसे ही कूल हुआ, जैसे ही वो ठंडा हुआ, वो क्या हुआ, उसने उस वुडन के हैंडल को बिल्कुल टाइटली पकड़ लिया, यानी वो उसमें फिट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ कि जितनी भी आयरन के मटेरियल होते हैं इनको गर्म करने पर ये साइज में एक्सपेंड होते हैं, समझ रहे हैं बात को, क्या होते हैं, साइज में एक्सपेंड हो जाते हैं, कब, जब हम इनको गर्म करते हैं। लेकिन जब हम इन
इनको ठंडा करते हैं यानी जब हम इनको कूल करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं। अगर ऐसा कभी होता है कि किसी भी आयरन थिन का कोई होल छोटा है और उसमें आपकी कोई चीज फिट नहीं आ पा रही है तो आप उसको हल्का सा गर्म कर दो, गर्म करने पर क्या होगा वो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और जो भी आप उसके अंदर फिट करना चाह रहे हैं वो बड़े इजीली फिट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ना इतनी बात। और इसीलिए जो हैंडल्स होते हैं ना इसमें वुडन के हैंडल लगाए जाते हैं और ये इधर उधर मूव नहीं करते। क्यों नहीं मूव करते, अगर अगर हैंडल के साइज का ही होल इसमें किया जाएगा तो हैंडल रोज निकलेगा, हैंडल फिट नहीं होगा आपको फिट करने के लिए, उसमें कुछ ना कुछ साथ में हैंडल के लगाना पड़ेगा। लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो यही है कि रिंग को थोड़ा सा छोटा रखो, उसको गर्म करो, गर्म करने पर जैसे ही वो एक्सपेंड हो जाए तो जो आपको फिट करना है हैंडल, जिस साइज का हैंडल आपको फिट करना है उस हैंडल को थोड़ा प्रेशराइज करके उसमें फिट कर दो, आफ्टर दैट कूल इट, और आप देखोगे कि जो आपका हैंडल है वो उस ब्लेड में बिल्कुल फिट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे काम ऐसे ही किए जा रहे हैं। देखो यहाँ पर ब्लेड बनाया है, यहाँ पर भी ऐसे ही किया है, यहाँ पर भी यही किया है और यहाँ पर करने की तैयारी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart. कार्ट देखी होगी आपने, बुलक कार्ट भी देखी होगी, हॉर्स कार्ट भी देखी होगी, देखिए ना आपने देखा होगा। अच्छा हॉर्स कार्ट तो देखी होगी सभी ने। हॉर्स कार्ट में क्या होता है, ये जो टायर होता है, टायर इसके बिल्कुल बीचों बीच ये आयरन की ना रिंग फिट होती है। ये कैसे फिट हो जाती है जबकि इसमें कोई कट नहीं होता, कैसे फिट हो जाती है? इसको भी फिट करने का बिल्कुल यही तरीका है। जो मेटल रिम है उसको क्या किया जाता है, मेटल रिम को थोड़ा साइज में वुडन से, वुडन व्हील से साइज में थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है ताकि ये व्हील को फिक्स कर दे एक प्लेस पर, व्हील इधर उधर मूव ना करे, है ना। तो इसको पहले थोड़ा छोटा ड्रॉ करते हैं, फिर जब इसे व्हील में फिट करना होता है तो क्या करते हैं, इसको हल्का सा नहीं मतलब उसको हॉट करेंगे, जब ये गर्म हो जाएगा तो इसे व्हील पर ठोक कर व्हील पर चढ़ा देंगे। व्हील पर चढ़ाने के बाद इसे फिर से ठंडा कर देंगे और ये व्हील पर क्या होगा अपनी ग्रिप बना लेगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा जिससे आप इसको निकाल नहीं सकते फिर। ठीक है, क्या लिख रहा है यहाँ पर, अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। रिम को कैसा बनाया, मेटल की रिम को वुडन व्हील से थोड़ा सा छोटा बनाया। On heating, the rim expands and fit into the wheel. अब रिम को गर्म किया और व्हील पर चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद उसे ठंडा किया, देखा आपने कि रिम जो थी वो आयरन रिम थी वो क्या हुआ, वो फिट हो गई व्हील पर। Cold water is then poured over the rim. रिम के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, which contract the fit tightly into the wheel. और जिसने क्या किया, रिम उसको व्हील को बिल्कुल टाइटली पकड़ लिया, ऐसा कर दिया कि अब वो व्हील इधर से उधर मूव नहीं हो सकता, आप उस रिम को नहीं निकाल सकते। समझ में आया, कैसे आयरन की थिंग्स को आप किसी के ऊपर अगर लगाना चाहते हो, टाइटली लगाना चाहते हो तो क्या तरीका है, सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप करेंगे, एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे, इतनी बातें आप अपनी बुक में से जरूर रीड करेंगे। अगर इन बातों के अलावा जो मैंने आपको कुछ बताई हैं कुछ भी रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरी बातें आपको समझ में आए, मैं आपको चैप्टर क्लियर करा सकूं। ठीक है, बाकी अगर नहीं होता, कहीं कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, चैप्टर दो पार्ट में है, हाफ हमने आज कर लिया, हाफ हम कल करेंगे। तो कल मिले फिर, चलिए आज को इतना ही छोड़ते हैं, कल मिलते हैं, थैंक यू।